स्पेशल चीज सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत सारी चीजों में हमको यूज कर सकते हैं हम। उसका नाम बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन तो आपने प्रेस कर ही दिया होगा क्योंकि सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। आप झटपट से नई नई डिशेस ट्राई करेंगे और मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपको डिश का नाम बताई देती हूँ। हम लोग आज बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी क्रश। अब स्ट्रॉबेरी क्रश इतनी सारी चीजों में यूज होता है, आपकी जो नॉर्मल डिशेस हैं या डेजर्ट्स हैं उसको स्पेशल बनाने के लिए आप ऊपर से थोड़ा डाल देंगे या एक्स्ट्रा फ्लेवर देंगे तो काफी अच्छा लगेगा। जैसे आइसक्रीम है, नॉर्मल आइसक्रीम हम लोग खा रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी क्रश थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, या फिर श्रीखंड में, श्रीखंड स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी का हम लोग बना रहे हैं तो श्रीखंड में आप यूज कर सकते हैं। आप शेक्स बना सकते हैं काफी चीजों में ऊपर, इवन जो केक के ऊपर आइसिंग करते हैं हम लोग तो स्ट्रॉबेरी वाले क्रश आप डालेंगे तो इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, सब लोग आपकी डिशेस की तारीफ करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आज हम स्ट्रॉबेरी क्रश बनाने जा रहे हैं। कितना प्यारा घर का बना हुआ, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव हमने नहीं ऐड करे हैं, बिल्कुल दो इंग्रेडिएंट से बन गया है। तो आइए अब झटपट से आप इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी लिया है जिसका ग्रीन पार्ट मैंने निकाल दिया, और 6 टेबल स्पून शुगर, इसको मैं बारीक बारीक चॉप करके इसकी प्यूरी बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी की, और साथ में ही शुगर डाल देंगे तो दोनों को एक साथ पीस लेंगे। प्यूरी बन गई है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं फ्राई पैन में डालती हूँ इसको, और इसको स्टार्टिंग में धीमी आंच पर, फिर बीच में हम तेज आंच कर लेंगे, और जब ये रिड्यूस होगा तो हम वापस धीमी आंच कर देंगे, गाढ़ा होने तक पकाना है। फ्रेश स्ट्रॉबेरी की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि स्मेल आपको इसकी कितनी बढ़िया लग रही है। अब स्ट्रॉबेरी क्रश थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, आप इसे मिल्क शेक, दही की लस्सी में भी आप स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा फ्लेवर डालेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और पहले से ज़्यादा बना के रख लीजिए तो आप अपनी नॉर्मल डिश को या जो सादा दिखने वाले डिश को भी आप डिलीशियस और अच्छा लुक दे सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट हो गया है, अब गाढ़ा होने के बाद आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि देखिए इस तरह से, अभी तो गर्म है इसलिए थोड़ा पतला है, ठंडा होते ही ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। जो मैंने स्ट्रॉबेरी यूज़ की थी काफ़ी मीठी थी, अगर आप जो स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हो अगर खट्टी हो तो आप शुगर थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। देखिए अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और ठंडा करके आपको दिखाऊंगी। देखिए स्ट्रॉबेरी क्रश रेडी हो गया है, थोड़ा ठंडा भी हो गया है, काफ़ी थिक हो गया है। देखिए मैंने सच्ची कहा था ना इतनी जल्दी बन जाएगा, बन भी गया फटाफट, आप काफ़ी दिन तक चला सकते हैं। बस बीच बीच में थोड़ा चेक करना होगा, फ्रिज में रखना होगा, ये भी आप इम्पोर्टेंट है। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।